वेटिंग रूम, यह जो प्रतीक्षालय है शायद अनाथालय है, जिसमें वक्त काटने की गरज से किनारे बैठा कोई कहता है कि नोटबंदी की लाइन में, कारगिल युद्ध में, नोटबंदी की लाइन में कारगिल युद्ध से ज़्यादा लोग मारे गए, हताहत कई हज़ार गुना ज़्यादा हुए, लेकिन उस दौरान भारतीय पूंजीवाद के लिए सबसे आश्वस्तकारी बात यह हुई कि मुकेश अंबानी के यहाँ से काला धन नहीं निकला। सचिन, अमिताभ, शाहरुख, प्रियंका और मनीष मल्होत्रा निकले। वेटिंग रूम में मेरी बगल बैठे आदमी ने कहा कि वह रेलगाड़ी का नहीं, श्रीदेवी के लौट आने का इंतज़ार कर रहा है। उसने मुझसे धमकाने वाली शैली में पूछा कि श्रीदेवी तुमको कैसी लगती थी। मैंने उसे बताने की कोशिश की कि टाइम पर प्रोटीन ना मिलने से और बाद में यदा कदा यहाँ वहाँ मिल जाने की वजह से मेरी अपनी जांघ में इतना दर्द होता रहता है कि मैं किसी और की जांघ के कैलेंडर का सपना नहीं देख पाता। लेकिन दसियों सालों से मैं इस खबर का इंतज़ार कर रहा हूँ और ये खबर आती हुई नहीं दिखती कि दुबई के 11 सितारा होटल के बाथरूम में बॉलीवुड नाम के बदकार, जाहिल, अपराधी कमर उलारू जिगलो का नहाते हुए पैर फिसला और उसका लीपा पोता चेहरा टब में बहुत थोड़े ही पानी में डूब गया। बॉलीवुड नहीं रहा, नहीं आएगी नैतिक विनाश की यह खबर जियो पर। इस प्रतीक्षालय में जब तक एक आदमी रेल नीर इस प्रतीक्षालय में जब तक एक आदमी रेल नीर इस दावे के साथ 5 रुपए महंगा बेचता रहा कि 910 ग्राम पानी में 1 ग्राम कपिला और कामधेनु का द्रव्य मिला है, वेटिंग रूम की दीवार पर लगे टीवी से एक अभिनेता पान मसाला खाते हुए प्रतीक्षालय में आ गया। मैंने उससे उसकी माँ का नाम पूछा तो उसने कहा कि वीरू, जो उसके पिता का नाम था। मैंने कहा कि अपराध करने वाले सबसे पहले अपनी माँ को भूलते हैं। वह मुझे तेरी बहन की जुबां केसरी वगैरह कहते हुए एक बड़े सम्मानित और पुरस्कृत अपराधी की तरह टीवी में वापस लौट गया, जहाँ रजत शर्मा के इंडिया टीवी सा दिखता था नवीन अधिनायक भारत। प्रतीक्षालय में चाय ले लो चाय गुहारते हुए जो चाय वाला आया, उसने चाय के साथ क्रांति नहीं पकौड़ी दी और ये खबर की एक बैग उठाकर भागते आदमी को मार मार कर मार डाला गया और कि अंग अह को सतत मुदित ने, ब्रैकेट में नाम बदल दिए गए हैं ब्रैकेट बंद, 60,000 करोड़ रुपए यह कहते हुए दिए कि तुझे संसार का सबसे अनैतिक बैग थमा रहा हूँ। पूरे देश में किसी को यह खबर नहीं कि चुनाव के समय इसका अधिकांश तू मुझे वापस दे देगा और यह भी कि यह पैसा मैं देश को गिरवी रखकर दे रहा हूँ और अंतःकरण को, जो मेरा ही नहीं एक और आदमखोर का भी है। मैं नहीं जानता कि मैं रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ या चुनाव की या पुरानी विपत्तियों की या कुंदनलाल सहगल की या सुल्ताना डाकू की या मुंगेर कंपनी की या 5G सिम की या जियो विश्वविद्यालय से निकले बदगुमान ग्रेजुएट की या पंत प्रमुख की स्वीकारोक्ति की कि राजधर्म के पालन में हत्याएं हुई, हो रही हैं और भी होंगी, या उन काव्य पाठों की जहां कविताएं शोक गीतों की तरह पढ़ी जा सकती थीं। इस प्रतीक्षालय में मैं टूटी फूटी पटरियों पर लुढ़कते आते एक अकेले डिब्बे की राह देखता हूँ, जो हो सकता है मंटो के मुकदमाग्रस्त निर्वासन का अंधेरा कमरा हो या मुक्तिबोध के अध्ययन कक्ष का रेडिकल एकांत अशांत। मैं हिंदी कविता के अमरत्वाभासी मेडल को हिंडन के संताप में दूषित तेजाबी जल में फेंकता हूँ और भारत की सबसे लंबी हिंडन एलिवेटेड रोड से पैदल घर की तरफ लौटता हूँ, एक नई
अस्वीकार्य कविता का मजमून लेकर एक विफल काव्य पाठ के बाद। एक आदमी है बड़बड़ाते हुए कि प्रतीक्षालय का शौचालय तो रौरव के समान है, पटरी पर निपट कर आ गया। इस परिघटना को संभालते हुए एक राष्ट्रभक्त ने लाल गमछा गले में लपेटते हुए वेटिंग रूम के बीच में एक कुर्सी पर खड़े होकर कहा कि हमारे पास सब कुछ है, आज तक है, और उसका सर्वे कि नेहरू से 4 गुना बेहतर मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जो स्वच्छता संग्राम चलाए हैं। उसने अपनी नंगई को राम नामी पिछौरी से ढकते हुए कहा कि भाइयों, आसपास देखो, हम सबको राजनीतिक फैंटम, सांस्कृतिक आयरन मैन, देश को कहीं भी किसी भी ऊंचाई या नीचाई तक पहुंचाकर उल्टा टांग देने वाला स्पाइडर मैन मिल चुका है। अब हर एक को एक टॉयलेट मिलने वाला है। जब कुछ खाएंगे तभी तो हगने जा पाएंगे। यह सब बकता एक आदमी अंडरग्राउंड होने की धूल झाड़ता, इंतजार करते लोगों के बीच धड़धड़ाता घुस आया और ऐतिहासिक अवसाद के साथ बोला कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो का किरदार निभाने के बाद बाल ठाकरे का चरित्र निभाकर भारतीय कला में मध्यवर्गीय संतुलनवाद का वही पुराना रूपक गढ़ दिया कि थोड़ा बहुत प्रतिरोध तो ठीक है, लेकिन ये थोड़े ही कि जान दे देंगे। वह भूमिगत आत्मगत प्रतीक्षालय के टूटे फूटे फर्श पर टहलता रहा और बड़बड़ाता रहा कि हमारे पास ये है कि सबसे ऊंची प्रतिमा है और सबसे बौना राजनीतिज्ञ और दुनिया की सबसे दूषित और सबसे पवित्र नदी और सबसे आलसी कम्युनिस्ट पार्टी और स्त्री के लिए सबसे असुरक्षित सामाजिकता और दुनिया का सबसे तेजी के साथ धनवान होता पूंजीपति और दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार और सबसे कम सर्कुलेशन वाली समकालीन हिंदी कविता और संसार का सबसे खूंखार रक्तपात, कविता की सतत टेढ़ी पीसा मीनार की कमर तक पहुँचने के लिए। फिर वो चेतावनी की शैली में चिल्लाया कि खेतिहरों ने आत्महत्या करने वालों की संख्या का बढ़ना, फिर वो चेतावनी देने की शैली में चिल्लाया कि खेतिहरों के आत्महत्या करने वालों की संख्या का बढ़ना मरने की कला में क्षरण का मामला है। किसान क्रांति में ये लोग मरते तो युग परिवर्तन करते, इसके बाद धरती फटी और सुरंग के रास्ते से कहीं और चला गया वह किसी और प्रतीक्षालय में। 7-8 पुलिस वाले जिसने ये पता नहीं चला कि कौन गृहमंत्री है और कौन गृह सचिव, डंडा बजाते हुए हॉलनुमा कमरे में घुसा है कि सही सही बताओ इसमें कितने। 7-8 पुलिस वाले जिसमें ये पता नहीं चला कि कौन गृहमंत्री है और कौन गृह सचिव, डंडा बजाते हुए हॉलनुमा कमरे में घुसा है कि सही सही बता दो इसमें कितने चूतियापंथी करने वाले नक्सलपंथी हैं। तो एक आदमी ने चंपा सुरती घिसते हुए कह दिया 1 अरब 30 करोड़। देश की किसी अदालत ने इस समझदारी के साथ कि हो सकता है देश की किसी अदालत ने इस समझदारी के साथ कि हो भी सकता है अगली सुनवाई तक सबके हाउस अरेस्ट का आदेश दे दिया। आखिरी इसका पहरा है, मैं प्रतीक्षालय में अचानक खड़ा हो गया तो मेरे बगल की लड़की ने कहा कि आपकी रेलगाड़ी अभी नहीं आई है। मैंने कहा कि मुझे लगा कि समकालीन भारतीय राज्य और समाज के पराभव की कथा फिल्म और मॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो गई और जनगणमन शुरू हो गया, तो मैं लिंच होने से बचने के लिए खड़ा हूँ। वैसे बहुत पास आकर देखो तो दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की पटरी सा कीलित, बेजान, ठंडा, निरुपाय, ऊपर से घब घब गिरते राजनीतिक और सांस्कृतिक गू में पड़ा हूँ। मैं लिंच होने से बचने के लिए खड़ा हूँ। क्या बात है।